हम लोग के हिसाब से जो CAA है और आर्टिकल 14 जो इन्होंने अमेंडमेंट किया वो हो नहीं सकता है क्योंकि वो हमारा प्रीएम्बल है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर बात आएगी। और तीसरी बात है कि मोदी जी को लगता है, मुझे एहसास होने लगा है जनता के रुख का, जिन्होंने बोला कि NRC तो बात की बात है, अभी लेकर नहीं आ रहे, लेकिन पहले CAA है जिसको इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से पास कराया, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। जब तक प्रदेश इसको अमेंडमेंट नहीं करेगा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। और मेरे ख्याल से भी 7-8 दे जो प्रदेश हैं जिसमें कांग्रेस के जितने भी प्रदेश हैं उन्होंने मना कर दिया है, TMC ने वेस्ट बंगाल में मना कर दिया, इवन बिहार में भी नीतीश बाबू एक तरफ तो मोदी जी के साथ है लेकिन NRC में उनको भी डर लग चुका है और वो भी कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी ही गलत नीतियों में मोदी शाह जी फंस चुके हैं और 100% इनको CA में अगर वापस नहीं लेते हैं तो इनको आर्टिकल 14 को दोबारा से अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा और जो उन्होंने मजहब का जो नाम लिखा है उसको संशोधित करना पड़ेगा। और तीसरा, जब नेबर की बात कर रहे हैं तो भूटान, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका जो हम लोग बात कर रहे हैं उनको लेना पड़ेगा। जहाँ तक NRC का मुद्दा है, NRC में इन्होंने किया ही गलत है। पहले तो आप अन्य देशों से भी पूछेंगे कि आप लेने को तैयार है कि नहीं। हम लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि असम में जो 19 लाख लोग निकले हैं उनका आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये अपनी ही चाल में फंसे हैं, मुझे लगता है आज नहीं तो कल इनको वापस लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गलत नीति अपनाई है, CA हो चाहे NRC हो चाहे NPR हो, एक तो उनकी नियत में खोट है और दूसरा वो पूरे देश में अपवाद फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। और सबसे अहम बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान जो बना जिसमें हम लोग का देश सेकुलरिज्म पे खड़ा है, उसी को आर्टिकल 14 को ही, जो कोई भी संविधान को नहीं छेड़ सकता है उसको छेड़ के जिस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, तो आज पूरा देश खड़ा है और हम लोग सब मिलकर इस अभियान को और इस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं कि जब तक वो आर्टिकल 14 को, CA को वापस नहीं लेते हैं, NRC को वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये लड़ाई लगातार पूरा देश लड़ रहा है और हम सब मिलकर सहयोग करें।